अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये चीकू का पौधा है, इसमें देखिए मूली निकल आई है, तो इसे मैं हटा दे रही हूँ मूली को, ताकि मुझे चीकू के पौधा में खाद डालनी है, इसलिए इसे हटाना पड़ रहा है। देखिए ये निकल नहीं रही है, इसे मैं हटा ले रही हूँ ताकि मुझे खाद डालने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए ये मूली अच्छी हुई है, मूली इसकी पत्ता भी बहुत अच्छी हुई है, इसकी मैं चटनी बनाऊंगी। ये मूली की साइज भी अच्छी है। देखिए ये चीकू का पौधा में मैं मिट्टी से गुड़ाई करके मिट्टी निकाल ले रही हूँ, जितनी इसमें मिट्टी है वो 2-3 इंच मिट्टी मैं निकाल लूँगी, इसमें दूसरी मिट्टी डालूँगी। इसमें देखिए खाद डाल रही हूँ, किचन कंपोज है वो डाल रही हूँ, और इसमें बर्मी कंपोज भी डाल दूँगी। देखिए इस तरह से डाल रही हूँ। अभी इसमें एक बार भी फल नहीं आई है ये पौधा में, अब देखती हूँ इस बार फल लगती है क्या होती है। इसमें खाद डाल दे रही हूँ, ये अंडे का छिलका है वो डाल रही हूँ, जो जो मैं डालती हूँ नीम खली और इसमें डालकर ऊपर से नई मिट्टी डाल दूँगी। वो मिट्टी जो निकाली हूँ वो मिट्टी नहीं डालूँगी, दूसरी मिट्टी डालूँगी। देखिए ये दूसरी मिट्टी इसमें डालकर इस तरह से चलाकर इसमें पानी डाल दूँगी। और देखिए इधर ये मूली का पौधा में बीज निकलने लगी थी, देखिए इसमें फली होने लगी है, तो इसे मैं हटा ले रही हूँ। इसकी फली देखकर मुझे ये हो गई है, मैं इसकी भाजी बनाऊँगी इसकी फली का, इसलिए मैं इसे हटा रही हूँ। ये फली में ये छोड़ देती थी, इसकी बीज निकल जाती। देखिए इस तरह से इसे हटा ले रही हूँ। और इसमें छोटी छोटी मूली का पौधा लगी हुई, वो भी बड़ी हो जाएगी, तो इसे भी मैं हटा लूँगी। ये गमला में भी रोपी हुई हूँ, इसे भी मैं हटा ले रही हूँ, मुझे गमला की ज़रूरत है, इसलिए इस सबको हटा ले रही हूँ। और सबकी फली को मैं तोड़कर इसकी सब्जी बनाऊँगी। देखिए इस तरह से हटा ले रही हूँ, गमले की मिट्टी को थोड़ा सूखने दूँगी, उसके बाद इसमें कुछ रोपूँगी। देखिए इसी तरह सभी को हटा ले रही हूँ। इसी फली को मैं तोड़ ले रही हूँ, तोड़ कर इसे रख लेती हूँ, बाकी ये सब सूखने दे दूँगी। जो अच्छी है मूली उसको रखूँगी। देखिए इसकी फली को तोड़ ले रही हूँ इस तरह से। सारा डंटी में से फली निकाल रही हूँ,
इस तरह से आप लोग भी, अगर आपके पास ये मूली का फली है तो इसे तोड़कर सब्जी बनाइए, बहुत मज़ेदार सब्जी बनती है। देखिए इस तरह से तोड़ ले रही हूँ सारा फली को। अब देखिए यहाँ मिर्च का पौधा है, इसमें से भी मैं तोड़ ले रही हूँ, जो भी चार पांच मिर्च है इसे मैं तोड़ ले रही हूँ। इसकी ग्रोथ अच्छी है। अब देखिए यहाँ मैं थोड़ा धनिया पत्ती तोड़ ले रही हूँ, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। देखिए इस तरह से मैं कुछ धनिया पत्ता भी तोड़ ले रही हूँ। इस तरह से मैं धनिया पत्ता तोड़ ली हूँ और यहाँ भी है दो मिर्च है, दो तीन ये भी तोड़ ले रही हूँ। देखिए यहाँ नींबू है, दो ठो नींबू हुई है, इसे मैं तोड़ ले रही हूँ। देखिए कितनी सारी इसमें कली आई हुई है, फूल खिली हुई है, सब में नींबू हो गई, इधर नींबू भी हो रही है, इसमें कितनी सारी फूल खिली हुई है। देखिए सभी डली में फूल आई हुई है। देखिए गोभी भी थोड़ी बड़ी हुई है, इसे मैं हटा ले रही हूँ। जैसे जैसे थोड़ी बड़ी हो जा रही है तो इसे मैं हटा लूँगी, कंटेनर को खाली करूँगी, तब फिर इसमें भी कुछ रोपूँगी। देखिए ये एक मूली तैयार हो गई है तो इसे हटा ले रही हूँ। बाकी अभी छोटी है, थोड़ी और दो चार दिन में हो जाएगी तो इसे भी मैं तोड़ लूँगी। इधर देखिए बंद गोभी है, ये भी अभी तैयार नहीं हुई है। देखिए ये हमारी आज की हार्वेस्टिंग है। देखिए हमारी वीडियो अच्छी लगती तो मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थोड़ी सी मिर्च है, धनिया पत्ती को भी मूली है, ये मूली का फली है और मूली का पत्ता है। अल्लाह हाफिज़।